हे गाइस, मैं हूँ दिव्या एंड वेलकम बैक टू बेसिक विद दिव्या। आई होप आप लोग सब ठीक हो, मस्त हो, मज़े में हो और अपने अपने घरों में स्वस्थ हो। सो गाइस, आई एम बैक विद द अनदर हॉल वीडियो। और इस बार मैंने मेसो से मंगवाया है और मैंने फर्स्ट टाइम मेसो से कुछ मंगवाया है। आज तक मैंने मेसो का कुछ भी प्रोडक्ट ट्राई नहीं किया था, तो मेरा एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा। एंड मेरे साथ एक ब्लंडर भी हुआ, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि मेरे साथ क्या ब्लंडर हुआ। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा कुर्ती मेरा अच्छा लगा। एंड अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। और मैं सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी, इसका सेलर कोड होता है, मैं सबका कोड नीचे डाल दूंगी। बिकॉज अब अगर आप जब तक कोड नहीं डालोगे तब तक आपको इसका कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। बिकॉज मेसो में बहुत डिफरेंट सेलर्स रहते हैं जो अपने प्रोडक्ट को अलग अलग नाम से डाल के रखते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, दिस इज़ माई फर्स्ट कुर्ता। ये पर्पल एंड वाइट कलर में कुर्ता है। तो मैं पहले आपको इसका डिटेल पढ़कर बताती हूँ। अनारकली लॉन्ग कुर्तीज, तो इसका MRP है 524। एंड मैंने इसका स्मॉल साइज ऑर्डर किया था एंड स्मॉल का बस्ट साइज है इसका 34। एंड द फैब्रिक इज रेयॉन। तो मैं आपको कुर्ता दिखाती हूँ किस तरह का ये कुर्ती है अनारकली पैटर्न में। तो ये डाइड पैटर्न में पूरा कुर्ती है, राउंड नेक है इसका एंड योग डिज़ाइन आपका कुछ इस तरह का आएगा। पूरा सिल्वर का वर्क किया हुआ है यहाँ पर एंड 3/4 स्लिप्स है इसका। एंड साइड यहाँ पे साइड कॉर्नर में यहाँ पे टाई डिटेलिंग भी दिया हुआ है। पिक्चर्स में इसमें बहुत साइड में डिटेलिंग दिया हुआ था बट मुझे रिसीव ये एक साइड से ही हुआ। बट ये भी ख़राब नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था पहना हुआ। तो इस तरह का ये अनारकली पैटर्न में कुर्ती है एंड बैक साइड भी सेम प्लेन एकदम आपका ये टाइट पैटर्न में कुर्ती है। तो लेंथ इसका एंकल लेंथ कुर्ती था, मैंने इसे प्लाजो के साथ पहना था। कुर्ती ओवरऑल पहना हुआ अच्छा लग रहा था बट फैब्रिक इसमें रेयॉन मेंशन है बट फैब्रिक इसका थोड़ा हार्ड फैब्रिक है, एकदम सॉफ्ट मटेरियल नहीं है फैब्रिक का। एंड ओवरऑल पहना हुआ अच्छा लग रहा था कुर्ती। आप इसके साथ सिल्वर ज्वेलरीज पहनोगे, बैंगल्स पहनोगे एंड अगर हील्स कंफर्टेबल हो तो हील्स एंड मोजरीज भी इस पर बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप इसे लेना चाहते हो तो मेरा रिकमेंडेशन से आप 80% इसे ले सकते हो। अगर फैब्रिक के अकॉर्डिंग जाओगे तब आप इसे मत लेना, प्रेफर करना, क्योंकि फैब्रिक थोड़ा हार्ड है, समर के हिसाब से सुदिंग कम है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन इज दिस येलो एंड वाइट कलर का टाई एंड डाई पैटर्न में कुर्ती। तो मैं पहले इसका डिटेल पढ़ के बताती हूँ आपको। वोमेन ए लाइन कुर्ती विथ पॉकेट्स, वन साइड इसमें पॉकेट्स है एंड द MRP इज 492 रुपीज। एंड मैंने इसका स्मॉल साइज ऑर्डर किया और इसका स्मॉल का बस्ट साइज था 38, जो मुझे बहुत बड़ा आया था। तो ये इस तरह का टाई एंड डाई पैटर्न में कुर्ती है एंड दी फैब्रिक इज रेयॉन। तो इसका मैंड्रिन कॉलर है एंड यहाँ पे पूरा बटन्स का डिटेलिंग दिया हुआ है। 3/4 स्लिप्स है, रोल अप स्लिप्स है इसका। एंड इसका लेंथ काल्फ लेंथ है, ए लाइन शेप में कुर्ती है, साइड स्लिट है कुर्ती में एंड बैक साइड भी सेम टाई एंड डाई पैटर्न में प्रिंट्स है। एंड इसमें वन साइड पॉकेट्स दिया हुआ है, राइट हैंड साइड आपका पॉकेट्स दिया हुआ है कुर्ती में। तो मैंने एंड द फैब्रिक इज रेयॉन, आई थिंक मैंने आपको बता दिया है। तो है ना, मैंने इसे अपने वाइट कलर के प्लाजो के साथ पेयर अप किया था एंड ये कुर्ती का साइज मैंने स्मॉल ऑर्डर किया था बट इसका स्मॉल का बस्ट साइज 38 था। तो वो मुझे उसमें मेंशन नहीं था ये चीज़, बट मैंने जब मंगवाया तो काफ़ी लूज था तो मैं नीचे पीछे क्लिप लगा कर ये कुर्ती पहनी थी, इसलिए मैं आपको बैक साइड नहीं दिखाई। बट बैक अगर आप का बस्ट साइज 36-38 है तो आप डेफिनेटली कुर्ती ऑर्डर कर सकते हैं बिकॉज कुर्ती का फैब्रिक का बहुत सॉफ्ट है, समर सूदिंग कुर्ती यही वाला। तो आप इसे भी अच्छी से ज्वेलरीज एंड हील्स के साथ पेयर अप करना, काफ़ी अमेजिंग लगेगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन इज दिस कलरफुल कुर्ती। तो मैं पहले आपको इसका डिटेल पढ़कर बताती हूँ। कुर्तीज फॉर वोमेंस, यही डिटेल है इसका एंड द MRP इज 586 रुपीज़। एंड मैंने इसका स्मॉल साइज ऑर्डर किया था एंड इसका स्मॉल
का बस्ट साइज था 36, मुझे थोड़ा लूज आया बट ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इस कुर्ती का। मुझे पर्सनली कुर्ती बहुत प्यारा लगा पहना हुआ एंड दी फैब्रिक इज रेयन। तो ये इस तरह का कलरफुल कुर्ती है एंड राउंड नेक है इसका, 3/4 स्लीव्स है इसका, आप देख रहे हो किस पैटर्न में एकदम कलरफुल कुर्ती है एंड समर्स के हिसाब से कुर्ती बहुत प्यारा है। बैक साइड भी सेम डिजाइन है एंड सेम कलर से ब्लॉक कलर में कुर्ती है। फैब्रिक कुर्ती का बहुत अच्छा था, रेयन फैब्रिक है इसका, काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल था एंड अभी इस पैटर्न में ब्लॉक पैटर्न में कुर्ती बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, मैंने बहुत सारे साइट्स में इस कुर्ती को देखा है, कहीं पे 1500 का रेंज था कहीं कुछ, बट मेसो में ये काफ़ी रिजनेबल रेट्स में था। मुझे पर्सनली कुर्ती बहुत पसंद आया, अभी से डेली यूज़ के हिसाब से कहीं आ जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो तो उस सब के हिसाब से ये वाला कुर्ती डेफिनेटली ले सकते हो। ये आपका एज ए ड्रेस के हिसाब से, बट थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी है कुर्ती, इसके नीचे आपको कुछ इनर पहनना पड़ेगा एंड कोई शॉर्ट्स पहनना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप नहीं पहनोगे तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट लगेगा। ये कुर्ती बहुत अच्छा था। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन इज दिस पर्पल कलर का कुर्ता। तो मैं पहले आपको इसका डिटेल पढ़कर बताती हूँ, अंगिता वोमेन चिकन एम्ब्रॉयडरीड कुर्ता। तो इसका एमआरपी है 586 रुपीज एंड मैंने इसका स्मॉल साइज मंगवाया था एंड इसमें स्मॉल का बस्ट साइज 36 मेंशन है, बट मुझे इसका बस्ट साइज परफेक्ट आया एंड दी फैब्रिक इज वेस्कोस रेयन। तो मैं दिखाती हूँ, ये इस तरह का पर्पल कलर में चिकन कारी कुर्ता है एंड इसका राउंड नेक है, यहाँ पे पूरा चिकन का वर्क है, कुर्ता का लेंथ नी लेंथ है, पूरा यहाँ भी चिकन का वर्क है, 3/4 स्लीव्स है इसका, बैक साइड भी राउंड नेक है एंड बैक साइड एकदम प्लेन फैब्रिक है पर्पल कलर में एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड एक पॉकेट दिया हुआ है। तो कुर्ती का फैब्रिक कुर्ता का फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है एंड मैंने इसे अपने वाइट कलर का प्लाजो के साथ पेयर अप किया था, कुर्ता पहना हुआ बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया एंड मुझे ऐसे भी चिकनकारी कपड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे पास बहुत सारा चिकनकारी ड्रेस है। अगर आपको देखना है मेरा चिकनकारी कलेक्शन तो आप मुझे DM करके बताना कि देखना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, तो मैं आपको दिखाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में अपना चिकनकारी कलेक्शन। तो पर्पल कलर में है एंड इस टाइप का कुर्ता आप डेली वेयर में, कॉलेज वेयर में, ऑफिसेज में पहन सकते हो, अगर आपके घर में कोई गेट टुगेदर होता है वहाँ भी पहन सकते हो, काफ़ी स्टाइलिश एंड बहुत ही अच्छा रिच लुक देता है चिकनकारी। आप इसके साथ कोई ज्वेलरीज पहनना, सिल्वर ज्वेलरीज, बहुत अमेजिंग लगेगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एंड नेक्स्ट वन मैं आपको वो दिखाऊंगी जो मेरे साथ ब्लंडर हुआ है। मैंने आपको टोटल 4 कुर्ती दिखाया, मैंने टोटल 5 कुर्तीज़ मंगवाया था एंड मैंने जो एक लास्ट कुर्ती मंगवाया था वो था फैसोनिका ट्रेंडिंग ब्यूटीफुल नायरा कुर्ता विथ प्लाजो। तो ये इस टाइप का कुर्ता प्लाजो सेट था जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था पिक्चर्स में एंड इसमें मेरा साइज़ भी अवेलेबल था, बिकॉज मीशो में साइज़ का बहुत इशू है क्योंकि मेरा बस्ट साइज़ 34 है, तो मुझे जनरली एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल आता है, बहुत सारे ब्रांड्स का एक्स्ट्रा स्मॉल भी 34 होता है एंड बहुत सारा के स्मॉल भी 34 होता है एंड मीशो में स्मॉल साइज़ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, काफ़ी प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा न्यू बहुत ज़्यादा ओल्ड रहते हैं, बहुत लोगों ने पहन लिया होता है, न्यू अराइवल में देखो तो वैसा कुछ मिलता नहीं, बिकॉज यहाँ पे आपको बस्ट साइज़ 36-38 इस टाइप्स का ज़्यादा मिलता है। तो मुझे एक तो सिलेक्ट करने में बहुत दिक्कत हुआ था, मैंने इतना मुश्किल से 5 कुर्ती सिलेक्ट किया एंड मुझे कुर्ती के बदले मिला ये गंदा सा जैकेट जो कि स्टिच भी नहीं है कम्प्लीटली, एकदम मतलब लग रहा है किसी ने फाड़ दिया है, ज़बरदस्ती ये प्रोडक्ट को पैक करके भेज दिया है। जब मैं इसे खोली तो मेरा रिएक्शन था ये क्या भेजा, उससे अच्छा कुछ ना भेजो अच्छा है, लेकिन भेजने वाले ने भी क्या भेजा, क्या काम आएगा। तो वही मेरे साथ यही ब्लंडर हुआ, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, अच्छा भी रहा और ख़राब भी रहा। अगर आप आगे मेशो हॉल देखना चाहते हो तो मैं बनाऊंगी, अदरवाइज मुझे मेशो हॉल बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।